नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार। देखिए, बिहार में लगातार मवेशी तस्करों के द्वारा मवेशियों की तस्करी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि मध्य रात्रि आज थाना अध्यक्ष राजेश रण के नेतृत्व में उनकी तमाम पुलिस बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। लगभग 5 दर्जन से अधिक गायों को प्रशासन ने 3 ट्रकों से जब्त किया है। वहीं लगभग 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन के द्वारा जो भी बताया जा रहा है कि इस मामले में, इस पूरी घटनाक्रम में किसी भी प्रकार का इन वाहन चालकों के पास चालान नहीं था। जैसे ही थानाध्यक्ष राजेश रण को सूचना मिली, थानाध्यक्ष की पूरी फौज झाझा के कर्पूरी चौक पर मौजूद रही और जब छापेमारी अभियान चलाया गया तो एक ट्रक बहुत ही काफी तेज रफ्तार से झाझा प्रशासन के द्वारा जो ट्रोली लगाई गई स्पीड को कम करने के लिए, गति को धीमी करने के लिए, उस ट्रोली को वो ठोकर मारकर जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित संज्ञान लेते हुए उस ट्रक चालक को पकड़ा और 3 ट्रकों से लगभग 5 दर्जन से अधिक मवेशियों को जब्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में 11 लोगों की, जैसा कि पता चल रहा है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और फिलहाल अभी झाझा के गौशाला में इन तमाम गायों को रखा गया है। कुछ गाय लगभग 1 से 2 की संख्या में जो गाय है वो मृत भी हो गई है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उन गायों को ले जाया जा रहा था और इस तरह से उसको बनाया गया था, उस ट्रक को पूरी तरह से इस तरह से बनावट की गई थी कि पूरी तरह से वो त्रिपाल से ढका हुआ था और अगर गाय उसमें से आवाज भी देती तो लोगों के कान तक जू तक ना रेंगती। ऐसा मतलब उस ट्रक को पूरी तरह से, उस ढांचा को तैयार किया गया था और त्रिपाल से पूरी तरह से उसको जो है बांध दिया गया था उस ट्रक को। प्रशासन की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। देखिए, स्थानीय लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई, लेकिन सबसे बड़ा बात कि जिला प्रशासन के लिए एक सवाल खड़ा होता है कि इन तमाम गायों को जब्त तो कर लिया गया है, लेकिन इन तमाम गायों की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन तमाम गायों को, जो मवेशी रखे गए हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत भी की है, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे थे। बिहार खुदरा विक्रेता संघ के मंत्री भी थे दयाशंकर प्रसाद, उनसे भी हमने बातचीत की है। बिहार खुदरा के मंत्री दयाशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। दयाशंकर जी, आज मॉर्निंग वॉक का आयोजन क्या कुछ हुआ है? देखिए, हम लोग जब यहाँ 4:30 बजे पहुंचे तो देखे 3 ट्रक खड़ा है। पता चला तीनों ट्रक में गाय भरी हुई है। ऐसा देख के अनुमानित होता है कि ये तस्कर के लिए कहीं ले जाया जा रहा था, जिसे थाना ढाजा थाना के स्टाफ ने पकड़ा है और गौशाला में रखा है। गौशाला में अभी देखा जा सकता है कि ट्रक से सभी गायों को उतारा जा रहा है और 3 ट्रक गाय में से ज़्यादातर गाय दुधारू है। अभी यहीं गौशाला में ही एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, जो देख कर लगता है कि कितने लोग जो है दुश्मन हो गए गाय के, समझ में नहीं आता है। आज झाझा गौशाला का स्थिति अगर अच्छा रहता तो गाय पूरी भरी रहती गौशाला से, पूरा डैमेज है, 2-4 बच्चे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, पैक किस तरह से किया हुआ था ट्रक जो था? पूरा त्रिपाल से बांधे हुए था, पता नहीं चल रहा था कि इसमें गाय होगी। ये तो झाझा प्रशासन का बहुत बड़ा देन है, जिन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए इसे पकड़ने का काम किया। हम धन्यवाद देते हैं झाझा प्रशासन को। झाझा के गौशाला की तस्वीरें हैं और लगभग 3 ट्रक गायों को प्रशासन ने जब्त किया है। देर रात छापेमारी के दौरान इस बड़ी सफलता को झाझा प्रशासन ने अपने नाम किया और देख सकते हैं कि झाझा के गौशाला में इस वक्त 3 ट्रकों से गायों को सुरक्षित उतारा गया। हालांकि कुछ गाय जो है वो डैमेज हो गई है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इन सभी गायों को लेके जाया जा रहा था और ट्रकों में पूरी व्यवस्था थी गायों के लिए कि मतलब लोगों को एक भनक तक ना लगे कि इसमें गाय भरी हुई है। यहाँ तक कि इस ट्रक में रेक भी बनाए गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर में जिस जगह से ये व्यक्ति उतर रहा है वहाँ पर एक रेक बनाया गया था और छोटे छोटे गायों को यहाँ पर रखा गया था। हालांकि तमाम गायों को इस वक्त प्रशासन ने झाझा के स्थानीय गौशाला में अभी फिलहाल सुरक्षित रखने का काम किया है। झाझा पुलिस की बड़ी उपलब्धि है, जो कहीं ना कहीं झाझा वासियों के लिए हर्ष का विषय बना चुकी है। इस वक्त की झाझा का गौशाला इस वक्त गायों से पूरी तरह से भर चुका है। इस वक्त एक गाय की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो जमीन पर है और लगभग लगभग वो अंतिम स्थिति में, मृत अवस्था में लगभग नजर आ रही होगी आपको। और वजह सिर्फ ये कि इस ट्रक में, जो ट्रक में इसे लाया गया है, उस ट्रक में पूरी तरह से ठूस ठूस कर लाया गया है, जिसकी वजह से इन सभी गायों की लगभग लगभग स्थितियाँ जो है वो बेहद खराब हो चुकी है। बेहद पीड़ादायक क्षण है ये कि गायों के साथ इस तरह से तस्करी होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है और प्रशासन की बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है।